दोस्तों टेक्निकल परिचय में आपका स्वागत है। और फाइनली दोस्तों आज मेरे पास है ये Redmi की तरफ से आने वाली Redmi Note 10। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूँ और फाइनली दोस्तों आज मैं अपनी रिव्यू वगैरह इस स्मार्टफोन के बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसका मतलब दोस्तों हमें इस स्मार्टफोन में क्या अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है या फिर क्या खराब चीजें हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, इसकी सारी रिव्यू वगैरह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है इसमें एक 6.4 इंच की है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि इस प्राइस पॉइंट में इस स्मार्टफोन को बहुत ही एक तगड़ा स्मार्टफोन, कम्पिटिटिव स्मार्टफोन बना देता है। और साथ ही दोस्तों मैंने जब स्मार्टफोन को बाय किया था तो मैंने सोचा था कि ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो डिस्प्ले होगी ये शायद नाम की एमोलेड होने वाली है, लेकिन दोस्तों इसको मैंने कुछ दिन यूज करने के बाद मुझे पता चला है कि इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है दूसरी स्मार्टफोन के मुकाबले इस प्राइस पॉइंट में। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी व्यूइंग एंगल्स के बारे में। तो दोस्तों मुझे कोई भी व्यूइंग एंगल्स में इसमें दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिली। साथ ही दोस्तों मैं जो भी कंटेंट इसमें कंज्यूम करता हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल जाती है, मुझे कोई भी डिस्प्ले रिलेटेड इशू इसमें देखने को नहीं मिले है। तो दोस्तों अगर आप एक चाहते हैं कि आपको एक अच्छी एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्टफोन एक बजट सेटिंग स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है तो दोस्तों ये एक स्मार्टफोन आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों जी हाँ दोस्तों इसमें आपको फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है वो उतनी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में कवर वगैरह चढ़ा के रखना पड़ेगा जिससे आप अपने स्मार्टफोन को स्क्रैच वगैरह से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों जो हमें इसमें बैक साइड देखने को मिल जाती है वो हमें ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है, लेकिन जो प्लास्टिक क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की आपको प्रोवाइड की गई है। जी हाँ दोस्तों मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ घटिया, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने ज्यादा दिन नहीं हुआ यूज करते हुए, आज शायद 10-12 दिन ही यूज हुए होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें हमें मुझे बहुत सारी स्क्रैच वगैरह देखने को मिल गई है, इसलिए मैं इसमें लेमिनेशन प्रोटेक्शन भी लगा के रखा हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर करते हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें आप हरदम एक कवर चढ़ा के रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी स्पीकर वगैरह की। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दो स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों जो लाउडनेस आपको स्पीकर में से देखने को मिल जाती है वो आपको इसके डाउन पोर्शन में जो स्पीकर सेट किया गया है उसमें से देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों ये नाम का आपको स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड किया गया है Xiaomi की तरफ से, ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन दोस्तों जो साउंड क्वालिटी है उससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो साउंड क्वालिटी मुझे बहुत दिनों से देखने को या सुनने को मिल रही है वो काफी बेहतर देखने को या सुनने को मिल रही है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जो लाउडनेस है उसको थोड़ा बहुत अगर और बढ़ाया दिया जाता तो वो हमारे लिए बेहतर होता। दोस्तों बाकी इसमें कुछ भी मुझे प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिली है इसकी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज वगैरह। बाकी दोस्तों मुझे इसके स्पीकर में और कुछ प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिली है। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आता है वो आता है दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी। जी हाँ दोस्तों इसमें हमें देखने को मिल जाती है एक 5000mAh की बड़ी सी मैसिव बैटरी, जिसके साथ आपको एक 33W की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की गई है। जी हाँ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन में एक 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलना बहुत ही खास बात है, इसके लिए मैं Xiaomi को बहुत ही ज्यादा तारीफ करता हूँ। और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन को नॉर्मल यूज करते हैं तो ये आराम से आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा, लेकिन दोस्तों आप अगर इसमें ढेर सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं या ऐसे हार्डकोर परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपको एक नॉर्मली 1 day का बैकअप जरूर देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में एक 33W की तो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी चार्ज वगैरह कर पाएंगे। दोस्तों मुझे बैटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिली है। दोस्तों अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको एक मैसिव सी बैटरी देखने को मिले जिसके साथ आपको एक फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है तो मैं ये स्मार्टफोन को डायरेक्टली आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बैटरी के साथ साथ आपको फास्ट चार्जिंग की कम्बिनेशन प्रोवाइड की गई है वो काफी बेहतर प्रोवाइड की गई है दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले इस बजट के अंदर। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके कैमरा की तरफ। जी हाँ दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाती है क्वाड रियर कैमरा सेटअप, इसमें से कि जो प्राइमरी सेंसर है वो एक 48MP का दिया गया है जो कि सोनी की तरफ से आने वाली लेंस है। और कैमरा क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटी की बात करें दोस्तों मुझे काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी स्मार्टफोन के कैमरा से देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी आपको निकाल के देता है। साथ ही दोस्तों आपको कोई डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होने वाली नहीं है जो कैमरा को लेके, क्योंकि दोस्तों जो आपको इमेज क्वालिटी साथ ही दोस्तों जो वीडियो क्वालिटी आपको स्मार्टफोन से देखने को मिल जाती है वो काफी बेहतर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो नाइट मोड आपको प्रोवाइड किया गया है वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें शायद आपको नेक्स्ट अपडेट में इसकी नाइट मोड को इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो देखते हैं हमें आने वाले अपडेट में और क्या खास देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों ये 14,000 के बजट के अंदर मैं अगर इस स्मार्टफोन को रेकमेंड करूंगा तो दोस्तों इसके डिस्प्ले के लिए, इसके कैमरा क्वालिटी के लिए, साथ ही दोस्तों इसकी बैटरी के लिए मैं आपको इस स्मार्टफोन को रेकमेंड कर सकता हूं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो आपको 600 सीरीज की प्रोसेसर देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि मुझे उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। जी हां दोस्तों, मैं इसमें गेम वगैरह खेला करता था कुछ दिनों से, मैंने इसमें ज्यादा गेम वगैरह नहीं खेली है। लेकिन दोस्तों जितना भी मैंने इसमें गेम वगैरह खेला है उसमें दोस्तों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आप हार्डकोर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप इसमें एक नॉर्मल गेमिंग तो कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जो हार्डकोर गेमिंग होता है वो आप स्मार्टफोन में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगा गया है वो उस कैपेबल नहीं है कि वो एक हार्डकोर गेमिंग को हैंडल कर पाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये Redmi Note 10 का रिव्यू पसंद आया होगा। और मुझे डायरेक्टली बताओ तो मुझे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, इसकी बैटरी, इसकी कैमरा वो सब मुझे अच्छी लगी है। ऐसे दोस्तों इसकी जो डाउन फायरिंग स्पीकर है वो भी मुझे अच्छी लगी। लेकिन दोस्तों जो इसमें बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही दोस्तों जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। तो दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसमें आपको एक खास डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको एक बड़ी सी मैसिव बैटरी चाहिए फास्ट चार्जिंग के साथ, साथ ही दोस्तों एक अच्छा खासा डिसेंट कैमरा आपको चाहिए, दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आप एक स्मार्टफोन लेना जिसमें आपको अच्छी डिस्प्ले के साथ साथ एक हार्डकोर परफॉर्मेंस भी चाहिए तो दोस्तों ये जो Redmi का Note 10 है ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज समझ आ गया होगा कि किन कारण के लिए आप ये Redmi Note 10 वाले स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो और साथ ही दोस्तों किस किस कारण से आपको इस स्मार्टफोन को कंसिडर नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी और क्या ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने मिस कर दिया है। अगर किसी भी पॉइंट को मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन का मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस Redmi Note 10 का रिव्यू भी पसंद आया होगा और शायद आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो Redmi की तरफ से Note 10 वाला स्मार्टफोन है इसमें आपको क्या प्रोस एंड कॉन्स देखने को मिल जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।